जी इस परिवार के सदस्य लंबे काल तक रहे, किसी कारण बस अलग भी थे, तब भी उनकी वैचारिक यात्रा और इस पार्टी से रिश्ता और जो वैचारिक सोच है वो हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए एक तरह से यदि वो या फैसला लेते हैं आने के, इस परिवार में यदि आने का फैसला लेते हैं तो स्वाभाविक मिलन होगा और मुझको तो प्रसन्नता होगी कि यदि ऐसा फैसला लें, और हमको उम्मीद है कि वो जल्द ही जल्द फैसला लें। अच्छा, क्या लगता है दादा, कुछ समय कब तक हो सकता है चीजें, क्योंकि आप भी साथ में गए थे सीएम हाउस में? देखिए, समय के काल में तत्काल कोई चीजें नहीं होती है, कुछ समय लगता है, इसलिए थोड़ा इंतजार आप लोग करिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वशिष्ठ नारायण का दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई डिमांड नहीं है, वो बिना शर्त के जेडीयू में शामिल होंगे। बिल्कुल, जब से बिहार चुनाव खत्म हुआ है तब से लगातार जो है जेडीयू जो है अपने समीकरण को मजबूत करने लगी हुई है, समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी को लेके कल उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी, और यह दावा किया जा रहा है जेडीयू के नेताओं के द्वारा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू में शामिल होंगे। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस तरह का कुछ बयान नहीं आया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात थी, बड़े भाई के नाते मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन चुनाव के नतीजों में जिस तरह का उपेंद्र कुशवाहा का परफॉर्मेंस रहा है, इस बार जितने भी उनके विधायक थे उन विधायकों का काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, इसको देखते हुए नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने समीकरण को दोहराना चाहते हैं, यानी कि नौ कुछ समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में जो कुशवाहा समाज है उसकी भागीदारी मजबूत है, तो चुनाव के बाद लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जदयू लगी हुई है। इसी की कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा को भी पार्टी से जोड़ने की जो कवायद है वो चल रही है, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा जो है पार्टी में शामिल होंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने तो दावा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई डिमांड नहीं है, उनका बिना शर्त के वो जेडीयू में शामिल होंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी मेरे भाई थे, अभी भी मेरे भाई हैं, लेकिन हम दोनों की राजनीति बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से खुल के इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। मीडिया के सवालों से वो बचते हुए दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात थी, नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, इस नाते हम लोग की मुलाकात होती है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि मैं जेडीयू में जाऊंगा, अभी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू में शामिल होंगे, और जेडीयू जो है लौकुश समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है। कुशवाहा जो समाज है उसकी भूमिका को जेडीयू इस इलेक्शन में भली भांति समझ गई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जो इस बार चुनाव में जो उम्मीदवार उतारे गए थे, भले ही कोई उम्मीदवार उनके जीते नहीं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है, जो भी उनके उम्मीदवार रहे हैं, वो काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज उनका रहा है। इसी को लेके नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे